अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको मजेदार लबेशी बनाना सिखाऊंगी और आगे की रेसिपी आपको रोजी बताएगी। हाय, मेरा नाम है रोजी और आज मैं आपको मजेदार लबेशी की रेसिपी बताऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पर 180 ml स्वीटेंड क्रीम यूज करी है, आप सादी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ग्राम्स हमने कंडेंस मिल्क यूज करा है, शुगर हम कम ही यूज करेंगे, ज्यादा हम कंडेंस मिल्क ही यूज करेंगे। कंडेंस मिल्क का फ्लेवर लबेशिरी में बहुत मजेदार लगता है। यहाँ पर हमने मिक्स फ्रूट कॉकटेल यूज करा है, आप फ्रेश फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। शुगर हमने यहाँ पर 6-7 स्पून रखी है क्योंकि कंडेंस मिल्क ज्यादा डाला है। लबेशिरी में कस्टर्ड के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये जरूर यूज करिएगा। यहाँ पर हमने कलरफुल सेवियां ली हैं, जो बहुत अच्छा कलरफुल इफेक्ट देंगी लबेशिरी में। कुछ पिस्ते और बादाम लिए हैं, आप अपनी मर्जी से डालें। फ्लेम ऑन। अब हमने 1.5 लीटर मिल्क लिया है और पैन में पोर कर देंगे। लबेशिरी की रेसिपी बहुत मजेदार बनेगी, आई नो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है, तब तक हम दूसरी चीजों को सेट कर देते हैं। अब हम इसमें 6 स्पून शुगर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। सेवियां हमने डाल दी हैं और इसे तब तक पकाएं जब तक इसका साइज इनहेंस ना हो जाए। वीडियो को एंजॉय करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब कस्टर्ड का जो आर्टिफिशियल फ्लेवर था उसमें 2-3 स्पून मिल्क ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर दें ताकि कोई लम्स नहीं होना चाहिए, वरना पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। अब ये कस्टर्ड का बैटर हम उस मिल्क के बैटर में ऐड कर देंगे जो हमने हीट पर रेडी किया था। ये फाइनली इट्स रेडी, बट इट्स टू हॉट। इसको कोल्ड करने के लिए हम इसे 1/2 आवर फ्रिज में रख देंगे। हाफ एन आवर हो गया है। वाओ, इट लुक्स सो यम्मी एंड डिलीशियस। और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो रह गए थे वो ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स इट वेल गाइस। मिल्क क्रीम ऐड कर दें।
अब कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स करें। This is strawberry jelly. इसको हमने बॉईल करके रख लिया था। जेली के क्यूब्स कट करके लबेशिरी में ऐड कर दें, ओके? वाओ, द कलर लुक्स सो अटेम्प्टिंग, इट्स लुक्स सो यमी। पोर पिस्ताचियो एंड आलमंड्स फॉर गार्निशिंग। Now your labishri is ready. It looks so perfect. And ये dish सबको पसंद होती ही है. और it's suitable for दावत also. अगर आप try करें तो feedback जरूर दीजिएगा. It's too yummy. Bye bye.